गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड। सिंगल इनहेरिटेंस हम लोग कवर कर चुके हैं, आज हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे। नाउ multi-level inheritance is a process of deriving a class from another derived class. यानी कि जब हम multi-level inheritance करते हैं, इसका सबसे अच्छा example आपके घर में आपको मिल सकता है। यानी कि आप अपनी property, यानी कि अपने father की property आपके अपने father से acquire करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके grand parent की भी property क्या हो रही है, आप में acquire हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट्स में आई और पेरेंट्स से फिर आप में आई। यानी कि हमारे पास जो क्लास हम सब क्लास है, दैट इज जो नए क्लास बना रहे हैं, वो हम किसी ऐसी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं जिसने किसी और क्लास को इनहेरिट कर रखा है। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो नई क्लास है, इस फिगर में देखें तो हमारे पास एक सी एक नई क्लास है, दैट इज अ ड्राइव क्लास। ये किसको इनहेरिट कर रही है? बी क्लास को इनहेरिट कर रही है। और एक्चुअली में बी ने किसको इनहेरिट कर रखा है? ए को इनहेरिट कर रखा है। यानी कि लेवल ऑफ इनहेरिटेंस की बात हो रही है, मोर देन वन लेवल। तो यहाँ पे हमारे पास जो नई क्लास बनी है, दैट इज अ ड्राइव क्लास, उसने ऐसी क्लास को इनहेरिट कर रखा है जिसने किसी और क्लास को इनहेरिट कर रखा है, दैट इज अ बी क्लास को सी ने इनहेरिट कर रखा है और ए क्लास को बी ने इनहेरिट कर रखा है। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ क्लास फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास। यानी कि वो क्लास जो किसी ड्राइव क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो ये हमारा क्या कहलाता है प्रोसेस? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नाउ इसके एग्जांपल देखते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश की, देखते हैं। हमारे पास देखिए एक पहली क्लास हम बना रहे हैं, ये हम ग्राफ के मतलब एक फिगर के थ्रू समझा रहे हैं पहले, उसके बाद हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। हमने देखिए एक क्लास बनाई, दैट इज अ वन, ठीक है, और उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम क्या था? फंक्शन वन। इसका रिटर्न टाइप क्या है? वाइड, और उसके कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास हो रहे हैं। अच्छा, प्लस सिंबल इंडिकेट्स पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक सेक्शन। यानी कि प्लस अगर इंडिकेट लगा है तो इसका मतलब समझिएगा कि वो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है, और माइनस लगा है तो इसका मतलब समझिएगा कि वो प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है। नाउ तो हमारे पास एक क्लास है, दैट इज अ वन, और इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन है जिसका नाम है फंक्शन वन। नाउ अब हमने एक नई क्लास बनाई जिसका नाम क्या था? टू। इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन टू, जिसका रिटर्न टाइप वर्ड है, नो आर्गुमेंट, एंड ये भी क्या है? पब्लिक सेक्शन में डिफाइन है। ये क्लास टू क्लास वन को क्या कर रही है? इनहेरिट कर रही है। तो यानी कि क्लास वन का भी जो मेथड है ना, इसका भी वो डेटा मेंबर होगा। ठीक, तो यानी कि क्लास टू के पास दो डेटा मेंबर हो गए, एक फंक्शन टू और दूसरा एक फंक्शन वन। क्योंकि ये पब्लिक है, पब्लिक इनहेरिटेंस करेंगे तो ये भी इसके सेक्शन में आ जाएगा, पब्लिक सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद हमने एक नई क्लास बनाई जिसका नाम था थ्री, जो किसको इनहेरिट कर रही है? टू को, और टू ने किसको इनहेरिट कर रखा? वन को। दिस इज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और इसके अंदर भी एक फंक्शन डिफाइन है जिसका नाम क्या है? थ्री। ये भी क्या है? रिटर्न टाइप इसका वर्ड है और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और ये पब्लिक सेक्शन में डिफाइन है। तो चूंकि फंक्शन वन इसके पास भी आ रहा है, तो टू के पास कौन कौन से फंक्शन हो गए? वन एंड टू। अब दो फंक्शन, चूंकि ये थ्री क्लास टू को इनहेरिट कर रही है, तो टू के पास जो भी मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर होंगे पब्लिक सेक्शन में या प्रोटेक्टेड सेक्शन में, वो क्या होगा? थ्री क्लास में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लास वन का भी मेथड आ जाएगा और क्लास टू का भी मेथड इसके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर रहे हैं। ठीक, अब इसी को हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे हमने परफॉर्म किया। ये हमने एक क्लास बनाई, दैट इज अ वन, पब्लिक सेक्शन में हमने डिक्लेयर किया फंक्शन वन नाम का एक फंक्शन। यानी कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो एक स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी जिसका जो इसमें क्या लिखा होगा? सुपर क्लास फंक्शन वन। ये क्लास हमने क्लोज कर दी। फिर हमने एक दूसरी क्लास बनाई जो क्या कर रही है? इस वन क्लास को इनहेरिट कर रही है। देखिए, हमने पब्लिक
कोलन लगा के हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया, यानी कि हम पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो यानी कि इसके पब्लिक जितने भी डेटा मेंबर होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पब्लिक सेक्शन में आ जाएंगे। अब पब्लिक सेक्शन में हमने क्या किया, एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम क्या था, फंक्शन टू, यानी कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या प्रिंट आएगा, सब क्लास फंक्शन टू। आगे देखते हैं, हमने ये क्लास थ्री बनाई और इसके अंदर हमने किसको इनहेरिट किया, टू क्लास को इनहेरिट किया। यहाँ पे भी एक फंक्शन थ्री आपका डिफाइन है और जब भी ये कॉल होगा तो क्या होगा, सब क्लास फंक्शन थ्री को रिटर्न होगा। ये हमने बंद कर दिया, क्लास हमारी क्लोज हो गई। अब उसके बाद मेन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए 1, 2 और 3 तीनों क्लास का एक एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो 1 के अंदर केवल फंक्शन 1 डिफाइन था तो हमने केवल फंक्शन 1 को ही कॉल कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। 2 के अंदर क्या है, अपना उसका फंक्शन है फंक्शन 2 और उसने 1 क्लास को भी इनहेरिट कर रखा है, तो ये दो कॉल कर सकता है, एक फंक्शन 2 और एक फंक्शन 1, जैसे कि हमने दिखाया। और चूंकि जो हमारा क्लास 3 है उसने 2 को इनहेरिट कर रखा और 2 के पास क्या है, दो फंक्शन है, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, तो जब 3 से हम क्या कर सकते हैं, 1, 2 और 3 तीनों को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन 3 किसका एक्चुअल में फंक्शन है, 3 क्लास का। अब इसका आउटपुट देखिए, तो जब हमने 1.function1 कॉल किया तो सुपर क्लास फंक्शन 1 कॉल हुआ, उसके 2.function1 कॉल किया तो ये फंक्शन 1 को ही कॉल कर रहा है सुपर क्लास के, उसके बाद फंक्शन 2 कॉल किया तो ये सब क्लास का फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद फिर हमने T3 से फंक्शन 1 कॉल किया तो सुपर क्लास का फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद फंक्शन क्लास 2 का कॉल हुआ और ये क्लास 3 का कॉल हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अप्लाई करते हैं, ठीक। अब हम लोग इसके दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, अगेन उसी स्ट्रेटेजी से चलते हैं, आप लोग को समझ में आ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो हमारे पास देखिए, हमारा एक बेस क्लास है जिसका नाम क्या है, बेस, और उसके अंदर एक डेटा मेंबर है जो पब्लिक सेक्शन में डिफाइन है, एक्स प्लस लगा है, इसका मतलब ये पब्लिक सेक्शन में डिफाइन है, और इसमें एक मेथड यूज किया गया है, दैट इज अ गेट डेटा, और इसका रिटर्न टाइप वर्ड है, कोई भी वैल्यू आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहा, प्लस डिफाइन है इसके आगे, इसका मतलब क्या है कि ये पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर है। अब देखिए, हमने एक दूसरी क्लास बनाई जिसका नाम क्या था, ड्राइव वन, इसके अंदर भी एक डेटा मेंबर है INTY जो भी पब्लिक सेक्शन में है, और रीड डेटा नाम का एक मेथड बनाएंगे, अभी क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे उसमें क्या करेंगे अभी देखते हैं। वर्ड रिटर्न टाइप है, नो आर्ग्यूमेंट है, ये भी किस सेक्शन में, पब्लिक सेक्शन में। अब देखिए, क्लास बेस जो है वो किसमें इनहेरिट हो रही है, ड्राइव वन में, तो इसका INTX इसके पब्लिक सेक्शन में आ जाएगा, पब्लिक अगर हम वो कर रहे हैं इनहेरिटेंस, और गेट डेटा भी क्या हो जाएगा, इसके पब्लिक सेक्शन में आ जाएगा ड्राइव वन में। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, एक नई क्लास बनाने जा रहे हैं, क्लास ड्राइव टू, और उसमें एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया, दैट इज अ प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया, और इसमें दो हमने यूज किया, इन डेटा एंड प्रोडक्ट नाम के दो फंक्शन यूज किया, अभी देखते हैं कि उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन है। तो जब हमने इसको ड्राइव किया पब्लिकली तो रीड डेटा भी यहाँ आ जाएगा, INTY भी यहाँ आ जाएगा और एक्स भी आ जाएगा, एज वेल एज गेट डेटा भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी कहाँ है, ड्राइव वन में है, और ड्राइव वन से कहाँ आ रहे हैं, ड्राइव टू में आ रहे हैं, तो इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ ये क्लास बेस हमने बनाई है, इसके पब्लिक सेक्शन में देखिए हमने क्या किया, एक्स डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने एक मेथड डिक्लेयर किया, दैट इज अ गेट डेटा। अब क्या कर रहे हैं, यूजर से हम इनपुट करा रहे हैं इस एक्स में वैल्यू। ये क्लास हमारी बंद हो गई बेस नाम की। उसके बाद हम लोग ड्राइव क्लास में आए, क्योंकि हम बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे पब्लिक मोड में इनहेरिट किया बेस क्लास को, क्लास डिक्लेयर करते वक्त, तो यानी कि बेस क्लास इस ड्राइव वन में क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। पब्लिक सेक्शन में हमने क्या किया, एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया, उसके बाद एक मेथड बनाया, और मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इस वाई में इनपुट ले रहे हैं।
ठीक है, तो ये हमारी ड्राइव वन क्लास हो गई। उसके बाद हम लोग आए ड्राइव टू क्लास बनाई, जो किसको इनहेरिट कर रही है, ड्राइव वन को पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। इसके प्राइवेट सेक्शन में हमने क्या किया, एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया, दैट इज अ एंटिटी जेड। और पब्लिक सेक्शन में हमने क्या किया, एक मेथड बनाया, दैट इज अ इन डेटा, जो क्या कर रहा है, इस जेड में इनपुट लेगा, जैसे कि ले रहा है। उसके बाद हमने एक प्रोडक्ट नाम का फंक्शन बनाया, जो क्या कर रहा है, एक्स वाई एंड जेड को मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले कर रहा है। अब आप इसमें यह देखिए कि हमारा जो एक्स था वो बेस क्लास में था, वाई था ड्राइव वन में था, क्योंकि फ्रॉम बेस क्लास टू ड्राइव वन में आया, फिर ड्राइव वन से किस में आया, हमारे पास ड्राइव टू में आया। तो एक्स एंड वाई दोनों क्या होंगे, इसके डेटा मेंबर होंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को हम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। मेन फंक्शन में आते हैं हम लोग, ड्राइव टू नाम का ऑब्जेक्ट, ड्राइव टू क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब चूंकि गेट डेटा इज अ फंक्शन ऑफ बेस क्लास, लेकिन चूंकि हम इनहेरिट होके कहाँ आ रहा है, ड्राइव टू क्लास में, तो उसके ऑब्जेक्ट से हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ड्राइव वन का मेंबर फंक्शन था रीड डेटा, वो भी किस में अवेलेबल हो गया, ड्राइव टू में, तो हमने उस ड्राइव टू के ऑब्जेक्ट से उस रीड डेटा के फंक्शन को कॉल किया, इन डेटा। उसके बाद हमने प्रोडक्ट, ये दोनों तो उसी के फंक्शन थे ड्राइव टू क्लास के। और इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले वैल्यू इंटर कराई एक्स में, फिर वाई में, फिर जेड में, तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, 18 आया। यानी कि इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग जितना भी एग्जाम्पल्स के थ्रू लर्न करेंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी से हमें समझ में आएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक क्लास क्या है, जिसका नाम क्या है, पर्सन। इसके अंदर नेम, जेंडर और एज नाम के क्या हुए, ये वेरिएबल्स डिफाइन हैं, ठीक है। ये और जेंडर कैरेक्टर टाइप के हैं, और एज क्या है, इंटीजर टाइप के। तीनों के आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये प्राइवेटली डिफाइन है, प्राइवेट सेक्शन में। अब इसमें मेथड देखिए, गेट डेटा यूज हुआ है और डिस्प्ले यूज हुआ है, यानी कि गेट डेटा से इसमें इनपुट लेंगे और डिस्प्ले से इनको वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, लेकिन प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये पब्लिक सेक्शन में डिफाइन है। अब हमने इनहेरिट किया, एक हमने क्लास बनाई, दैट इज इसका नाम क्या था, एम्प्लॉय। इसके अंदर कंपनी का एक एरे डिक्लेयर किया, कैरेक्टर माइनस लगा, इसका मतलब प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर है। इसी तरह उसकी सैलरी डिक्लेयर की, और गेट डेटा एंड डिस्प्ले नाम का, अगेन सेम नाम का मेथड है। देखिए, यहाँ भी गेट डेटा है और यहाँ भी गेट डेटा है। तो अब जब भी हम मान लीजिए एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और गेट डेटा कॉल करेंगे, तो वो इसी को कॉल करेगा। इसको कब कॉल करेगा, हम लोग आगे देखेंगे कैसे कॉल करेगा। अब उसके बाद हमने, चूंकि मल्टी लेवल है, तो एक और हमारे पास क्लास बन रही है प्रोग्रामर, जो क्या कर रही है, एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही है। तो ये गेट डेटा एंड डिस्प्ले तो हमारे पास इसके पास आ गया, और इसके पास आने के बाद क्या हुआ, अब वो इसके पास आ गया, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं इसको कि कैसे, लेकिन ध्यान रखिए कि अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, इसका बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है ना। यहाँ हमने प्रोग्रामर नाम की क्लास बनाई, यहाँ पे नंबर हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का है प्राइवेट सेक्शन में, और गेट डेटा एंड डिस्प्ले नाम का क्या किया, दो मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। देखिए, पर्सन नाम की हमने ये एक क्लास बनाई। अब ये देखिए, नेम एंड जेंडर नाम के हमने क्या किया, दो डेटा मेंबर लिए, एज नाम का एक डेटा मेंबर लिया। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हमने क्या किया, गेट डेटा को डिफाइन किया। यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं इनमें। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है, हमने यहाँ एक एफ्लश एसटीडीएन यूज किया। इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब आप, हो सकता है कि जब आप इनपुट ले रहे हैं तो वो एक्चुअली बफर में जाता है, और बफर फुल होता है तो वो इनपुट लेता नहीं, आपसे ले लेगा, लेकिन एक्चुअल में वो मेमोरी में स्टोर नहीं करता है। तो जब भी आप स्ट्रिंग इनपुट लें, तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले अपना बफर उसको क्लियर कर दीजिए। इसका नाम क्या है, एफ फ्लश एस टी डी इन, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट के जो बफर है उसको क्लियर कर दें। एफ फ्लश सिंपली हम लोग फ्लश करते हैं, तो उसी की तरीके से है, यहाँ पे क्लियर करता है आपके बफर को।
इस तरीके से आपने क्या किया, गेटेस से आपका नेम इनपुट होगा एंड उसके बाद एज आपने इनपुट कराई और जेंडर आपने इनपुट कराया, जेंडर में मेल या फीमेल आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए डिस्प्ले फंक्शन से क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्ले करा रहे हैं नेम एज एंड जेंडर। ये हमारी क्लास क्लोज हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय, जो किसको इनहेरिट कर रही है, पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब वहाँ के जो प्राइवेट डेटा मेंबर है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे नहीं, तो इसलिए हमें कौन सा मेथड कॉल करना पड़ेगा, गेट डेटा। अभी देखते हैं, हमने कंपनी एंड सैलरी नाम के दो डेटा मेंबर बनाए, प्राइवेटली डिक्लेयर है, और पब्लिक सेक्शन में हमने अगेन गेट डेटा मेथड यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक सिंटेक्स लिखा हुआ है, गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ और उसके पहले स्कोप रेजोल्यूशन और उसके पहले क्लास का नाम लिखा हुआ है। यानी कि होता क्या है कि जब आपका सब क्लास में मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर सेम नेम के हों, जैसा कि सुपर क्लास में डिक्लेयर किया गया है, तो जब भी सब क्लास में अगर हम किसी डेटा मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो चाइल्ड क्लास के ही डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। हम चाहते हैं सुपर क्लास का फंक्शन या डेटा मेंबर यहाँ सब क्लास में कॉल हो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड उस फंक्शन का नाम जो सुपर क्लास में डिफाइन है। तो अब ये किसको रेफर करेगा, सुपर क्लास के डेटा मेंबर या मेथड को रेफर करेगा, फंक्शन को रेफर करेगा। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब हमने कंपनी में इनपुट लिया, सैलरी में इनपुट लिया, यानी कि जब हम इस गेट डेटा को कॉल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वो नेम इनपुट लेगा, उसके बाद फिर जेंडर इनपुट लेगा एंड एज इनपुट लेगा, एंड देन उसके बाद ये कंपनी का नेम इनपुट लेगा और उसका सैलरी इनपुट कराएगा। डिस्प्ले में भी इसी तरीके से किया हमने, चूंकि हमें सुपर क्लास का मेथड कॉल फंक्शन कॉल करना है डिस्प्ले नाम का, जैसे कि यहाँ पे भी है, तो दोनों बीच एम्बिग्यूटी आ जाएगी। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया, स्कोप रेजोल्यूशन विद क्लास नेम, यानी कि ये किस क्लास को रिफर कर रहा है, ये पर्सन क्लास के मेंबर को रिफर कर रहा है। उसके बाद हमने इस एम्प्लॉय क्लास के डेटा मेंबर को वैल्यू डिस्प्ले करा दी, ये क्लास हमारी क्लोज हो गई। एंड उसके बाद हमने प्रोग्रामर नाम की एक नई क्लास बनाई जो एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही है, अगेन इसमें एक नंबर डिफाइन है गेट डेटा से। अब ये देखिए हमने एम्प्लॉय वाले गेट डेटा को कॉल किया, इमीडिएट सुपर क्लास को रेफर कर रहा है ये, ठीक है, नंबर इनपुट कराया, यहाँ पे भी हमने डिस्प्ले को कॉल करेंगे एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय का डिस्प्ले किसको कॉल करेगा, ऑटोमेटिकली पर्सन के डिस्प्ले को कॉल करेगा, क्योंकि इसका चेन एग्जीक्यूशन है एक टाइप का। मेन में हमने क्या किया, प्रोग्रामर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने डेटा इंटर करने के लिए हमने पी डॉट गेट डेटा कॉल किया, तो पी डॉट गेट डेटा से वो सबसे पहले किसको कॉल करेगा, एम्प्लॉय के गेट डेटा को, एम्प्लॉय के गेट डेटा, और जब उसका कॉल होगा तो वो किसको कॉल कर रहा है, पर्सन के गेट डेटा को कॉल कर रहा है। वो इनपुट लेने के बाद एम्प्लॉय का डेटा इनपुट लेगा और उसके बाद फिर प्रोग्रामर का डेटा इनपुट लेगा। इसी तरीके से हम लोग डिस्प्ले फंक्शन भी कर रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले डेटा इंटर किया, नेम, नाम लिखा, एज लिखा, फिर जेंडर लिखा, ठीक है, और फिर कंपनी नेम लिखा, सैलरी लिखी, नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स, लैंग्वेज नोन लिखा, और उसके बाद क्या किया, सीक्वेंस में उसको डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक एग्जांपल और देखते हैं, हमने एक क्लास बनाई ए, इसके अंदर एक डेटा मेंबर लिया ए जो कि प्राइवेटली इनहेरिटेड, प्राइवेटली डिफाइन है, और गेट डेटा एंड डिस्प्ले ए नाम का दो फंक्शंस यूज किए। देखिए यहाँ पे क्या है, रिटर्न टाइप इसका वर्ड है, लेकिन ये गेट ए में क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं उसमें ए में इनिशलाइज करेगा, क्योंकि ये प्राइवेटली डिक्लेयर है तो हम इसे आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास बी बनाई, इसमें बी डेटा मेंबर लिया, और इसमें अब देखिए गेट बी जब कॉल किया तो इसमें दो वैल्यूज पास करेगा, तो ये वाली वैल्यू बी में चली जाएगी और ये वाली वैल्यू किस में चली जाएगी, ए में जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी अभी हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से क्लास सी बनाई, उसके अंदर एक सी डेटा मेंबर लिया, तो अब ए बी और सी तीन डेटा मेंबर यहाँ पे पास हो रहे हैं, वेरिएबल्स पास हो रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे गेट सी कॉल होगा
देन देखिए ये यहाँ पे तीसरा वाला क्लास देखिए, इसमें गेट सी फंक्शन है जो तीन आर्गुमेंट ले रहा है, ये देखिए ठीक है, और डिस्प्ले सी फंक्शन से वो तीनों वैल्यू डिस्प्ले कराएगा, करेगा कैसे ये देखिए, एक डेटा मेंबर लिया ए, गेट ए कॉल करेंगे तो क्या करेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पास होगी वो ए में स्टोर हो जाएगी, इसी तरह डिस्प्ले कराएंगे तो वो ए की वैल्यू डिस्प्ले करेगा अगेन। अब देखिए चूंकि फंक्शन हमारे डिफरेंट है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, तो गेट ए भी जब चूंकि ये पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है क्लास बी ए को, तो वहां का गेट ए फंक्शन यहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा, तो गेट ए को हम क्या कर रहे हैं गेट बी के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो दो वैल्यू पास की है वो ए में चली जाएगी पहली वाली और दूसरी बी में स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से सेम पैटर्न हमने डिस्प्ले में भी फॉलो किया है कि डिस्प्ले ए कॉल करेंगे तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा और उसके बाद बी की वैल्यू। उसके बाद हमने तीसरी क्लास बनाई जिसके अंदर बी को इनहेरिट कर रहे हैं चूंकि मल्टी लेवल है, सी एक डेटा मेंबर लिया, गेट सी फंक्शन कॉल यहाँ डिजाइन किया, ए बी सी, ए ए में जाएगा, बी बी में जाएगा और सी सी में चला जाएगा। अब ये देखिए गेट सी के अंदर हम लोगों ने गेट बी को कॉल किया, यहाँ पे दो वैल्यू पास कर रहे हैं ए एंड बी, और गेट बी किसको कॉल करेगा, गेट ए को कॉल करेगा बाय पासिंग वैल्यू ए, और सी की वैल्यू क्या हो रही है सी में स्टोर हो रही है। इसी तरह डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो डिस्प्ले बी करेंगे तो वो बी को कॉल करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा ए को कॉल करेगा, तो ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू फिर सी की वैल्यू डिस्प्ले कराएगा। ये देखिए हमने सी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, गेट सी से हमने तीनों में वैल्यू इनिशियलाइज कर ली और डिस्प्ले सी करेंगे तो तीनों की वैल्यू को क्या करेगा वो डिस्प्ले करेगा। ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स हैं, रेफरेंसेस हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं और भी कुछ पढ़ने में।